ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 3793, क्लैरिफाइड ऑन 13/11/2021। आज का प्रातः क्लास है 16 दिसंबर 1968 सोमवार। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज डेटेड 16 दिसंबर 1968 मंडे। बच्चे जानते हैं, रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं। चिल्ड्रन, द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन नो दैट द फादर हैज कम। किस लिए आए हैं? हमको वर्षा देने के लिए। व्हाई हैज ही कम? ही हैज कम टू गिव अस द इनहेरिटेंस। काहे का वर्षा? नई दुनिया का वर्षा देने के लिए। व्हाट इनहेरिटेंस? ही हैज कम टू गिव द इनहेरिटेंस ऑफ द न्यू वर्ल्ड। ये बात तो बच्चों को जरूर पक्की करनी है। चिल्ड्रन शुड डेफिनेटली मेक इट फर्म। जितना हम बाप को याद करेंगे इतना हम पवित्र बनेंगे। द मोर वी रिमेम्बर द फादर द मोर वी विल बिकम प्योर। क्योंकि बिहेव का बाप तो एवर प्योर है ना। इट इज बिकॉज द अनलिमिटेड फादर इज सर्टनली एवर प्योर, इजंट ही? और फिर जितने पवित्र बनेंगे उतने हम अच्छे टीचर बनेंगे, फिर उतने ही ऊंच पद पाएंगे। एंड देन द मोर वी बिकम प्योर वी विल बिकम अ गुड टीचर टू दैट एक्सटेंट एंड अटेन अ हाई पोजीशन अकॉर्डिंगली। बच्चों को ये बात ठीक तो लगती है ना? चिल्ड्रन सर्टनली थिंक दिस इज राइट, डोंट दे? क्योंकि तुम बच्चे आपस में भाई भाई हो। इट इज बिकॉज यू चिल्ड्रन आर ब्रदर्स फॉर ईच अदर। और तुम टीचर के रूप में पढ़ाना सीखते हो। एंड यू लर्न टू टीच इन द फॉर्म ऑफ अ टीचर। सीखते हो और फिर तुमको औरों को भी पढ़ाना है। यू लर्न इट एंड देन यू हैव टू टीच अदर्स एज वेल। क्योंकि तुम पढ़ाने वाले टीचर तो जरूर बनते हो। इट इज बिकॉज यू डेफिनेटली बिकम अ टीचर। अच्छा, टीचर तो बनते हो लेकिन तुम किसी का गुरु नहीं बन सकते हो। अच्छा, यू डू बिकम अ टीचर बट यू कांट बिकम एनी वंस गुरु। सिर्फ टीचर बन सकते हो। यू कैन जस्ट बिकम अ टीचर। गुरु तो सदगुरु है ना? इट इज सर्टनली द सदगुरु हु इज द गुरु, इजंट ही? एक ही सच्चा सदगुरु है, वो सिखलाते हैं। The one alone is the true Sadguru. He teaches us. सच्चाई सिखलाते हैं और हमको सच्चा रास्ता बताते हैं। He teaches us the truth and shows us the true path. तो बाप तो सब समझाते हैं कि भाई गुरु तो सबका एक है ना। So the father explains everything. Everyone's guru is certainly one, isn't he? कोई भी धर्म वाला हो। इट डजंट मैटर टू विच रिलीजन समवन बिलोंग्स टू। तो एक सदगुरु है तो हमको टीचर बनाते हैं। सो दैट वन सदगुरु मेक्स अस अ टीचर। बाप नहीं बनाते हैं। ही डजंट मेक अस अ फादर। टीचर बनाते हैं। ही मेक्स अस अ टीचर। और टीचर बन करके तुम टीच करते रहते हो। And you keep teaching after becoming a teacher. सबको रास्ता बताते रहते हो, कोई भी धर्म वाला हो। You keep showing path to everyone, no matter which religion someone belongs to. ठीक है ना? It is correct, isn't it? मनमना भव का रास्ता बताते रहते हो। You keep showing them the path to मनमना भव. तो बाप ने ये तुम्हारे ऊपर ड्यूटी रखी है कि मुझे याद करते रहो। सो द फादर हैज गिवन यू दिस ड्यूटी, कीप रिमेम्बरिंग मी। और फिर टीचर हो। एंड इन एडिशन यू आर अ टीचर। क्यों टीचर हो? क्योंकि जब तुम किसको भी परिचय देते हो बाप का, तो उनका तो फर्ज है बाप को याद करना। वाई आर यू अ टीचर?
It is because when you give the introduction of the father to anyone, it is their duty to remember the father. और टीचर हो तो तुमको बहुत कुछ समझाना पड़ता है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। And when you are a teacher, you have to explain many things like how the world cycle rotates. तो पहले पहले तो टीचर के रूप में जरूर आना पड़ता है। First of all, you definitely have to come in the form of a teacher. अरे बाप है, बाप को तो जरूर याद करना पड़ता है इन बच्चों को। अरे when he is the father, these children should definitely remember him. क्योंकि सबको बाप को याद करने से ये जो पाप है ना, जन्म जन्मांतर के पाप हैं, वो सभी मिट जाने के। इट इज बिकॉज इफ एवरी वन रिमेम्बर्स द फादर, ऑल देयर सिंस ऑफ मेनी बर्थ्स विल बी डिस्ट्रॉयड। ये तो पहले से ही कहते हैं ना। ही हैज बीन सेइंग दिस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, हैजंट ही? बच्चे जानते हैं। चिल्ड्रन नो दैट। और बाप भी कहते हैं कि पाप आत्माओं को पुण्यात्मा बनाओ। एंड द फादर ऑल्सो सेज मेक द इम्प्योर सोल्स इनटू प्योर। तो बाप आकर के सबको यही कहते हैं कि बाप को याद करो। सो द फादर कम्स एंड टेल्स दिस टू एवरीवन, रिमेम्बर द फादर। अरे सुबेर के बाप को याद करना तो सबका फर्ज है। अरे इट इज एवरीवन्स ड्यूटी टू रिमेम्बर दैट अनलिमिटेड फादर। हम आत्माएं हैं और परमात्मा को याद करना है। वी आर सोल्स एंड वी हैव टू रिमेम्बर द सुप्रीम सोल। याद करेंगे तो पाप मिट जाएंगे। इफ वी रिमेम्बर हिम, आवर सिंस विल बी डिस्ट्रॉयड। तो ये बात तो ठीक है ना? सो इट इज करेक्ट, इजंट इट? कि जिसको याद किया जाता है वैसा ही शंकर रंग लगता है। वी आर कलर्ड बाय द कंपनी ऑफ द वन हु वी रिमेम्बर। तो बाप तो निष्पाप है ना? सो द फादर इज नो डाउट सिनलेस, इजंट ही? वो तो अकर्ता है। ही इज सर्टेनली अकर्ता। तो पाप लगने का सवाल ही नहीं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हिम बीइंग स्टेन्ड बाय सिंस एट ऑल। तो ये तो ठीक है ना कि तुम्हारे साथ पाप मिट जाएंगे। सो इट इज करेक्ट दैट ऑल योर सिंस विल बी डिस्ट्रॉयड, इजंट इट? ये तो हर एक का फर्ज है बाप को याद करना। इट इज एवरीवन्स ड्यूटी टू रिमेम्बर द फादर। जबकि ये जानते हैं कि बाप पतित पावन है। इट इज बिकॉज यू नो दैट द फादर इज द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर। वो तो युक्ति बताए देते हैं कि बच्चे आत्मा पतित बनी है। ही टेल्स यू द मेथड, चिल्ड्रन द सोल हैज बिकम इम्प्योर। और आत्मा पतित बनी है तो इस कारण से तुमको शरीर भी पतित बना है। When your soul has become impure, the body has also become impure because of it. तो आप समझाते हैं, ठीक है ना बच्चे? So the father explains. It is correct, isn't it children? और अभी जब बाप समझाते हैं वो समझाने समझने में तो एक सेकंड की बात है। एंड नाउ व्हेन द फादर एक्सप्लेन्स, इट इज द मैटर ऑफ अ सेकंड टू अंडरस्टैंड दैट एक्सप्लेनेशन। क्या हम शुरुआत में पवित्र थे? जब आत्मलोक से आए थे, वी वर प्योर इन द बिगनिंग व्हेन वी केम फ्रॉम द सोल वर्ल्ड। वो तो पवित्र धाम है ना? दैट इज इन फैक्ट अ प्योर वर्ल्ड, इजंट इट? और अभी यहाँ करके संघ के रंग में पवित्र बने। एंड वी हैव बिकम इम्प्योर इन द कलर ऑफ द कंपनी आफ्टर कमिंग हियर। तुम तो बहुत सहज बात समझाए देते हो। यू सर्टनली एक्सप्लेन अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। रिमेम्बर द फादर, देन यू विल बिकम प्योर। और याद भी उठते बैठते चलते फिरते याद करना है।
एंड एज रिगार्ड्स रिमेम्बरेंस यू शुड रिमेम्बर व्हाइल स्टैंडिंग सिटिंग वॉकिंग मूविंग अराउंड। देखो मनुष्य गंगा जी को भी तो याद करते हैं ना। लुक पीपल रिमेम्बर द गैंजेस एज वेल डोंट दे। याद करते हैं और तुम जा करके स्नान करते हैं उसके अंदर। दे रिमेम्बर इट एंड यू गो टू बेद इन इट। अभी उसमें स्नान करने का तो कुछ है नहीं। नाउ देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बेदिंग इन इट एट ऑल। क्योंकि तुम तो आत्मा हो। इट इज बिकॉज यू आर सर्टेनली अ सोल। आत्मा के लिए तो ज्ञान स्नान चाहिए। A soul needs to have a bath of knowledge. वो तो पानी की गंगा है। That is in fact the Ganges of water. सिर्फ ये याद करने से कि गंगा पतित पावनी है और गंगा को याद करने से मनुष्य फिर पतित से पावन बन जाएंगे। They think that the Ganges is the purifier of the impure and people will become pure from being impure by remembering it. परंतु पावन तो याद करने से बनते हैं ना। बट यू सर्टनली बिकम प्योर बाय रिमेम्बरिंग द फादर डोंट यू। गंगा को पतित गंगा को याद करने से कोई पावन थोड़े ही बनते हैं। यू सर्टनली डोंट बिकम प्योर बाय रिमेम्बरिंग द गैंजेस। क्योंकि अगर समझे वो गंगा पतित पावनी है तो कैसे वो पावन कर सकेगी। इट इज बिकॉज If you think that Ganges is the purifier of the impure, how will it be able to purify someone? वो तो पानी है ना। That is in fact water, isn't it? पानी को बिलोने से कोई मक्खन थोड़े ही निकलता है। You certainly don't find butter by churning water. यहाँ बच्चों को बाप कहते हैं। Here the father tells the children. कि मैं पतित पावन हूँ। I am the purifier of the impure. कैसे पतित पावन हूँ? हाउ एम आई द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर। ये भी समझाते हैं कि हे बच्चों मुझे याद करने से देह के सभी धर्म छोड़ मुझे याद करने से फिर से तुम घर पहुंच जाएंगे मुक्ति धाम में पहुंच जाएंगे। ही एक्सप्लेन्स दिस एज वेल। ओ चिल्ड्रन इफ यू रिमेम्बर मी आफ्टर रिनाउंसिंग ऑल द रिलीजन्स ऑफ द बॉडी यू विल रीच द होम अगेन। You will reach the abode of liberation. ये तो ठीक बात है ना? It is correct, isn't it? पवित्र बनेंगे तो पवित्र धाम में पहुंच जाएंगे। If you become pure, you will reach the pure abode. और ये तो बिल्कुल सबके लिए है। सब धर्म वालों के लिए जो भी मनुष्य मात्र हैं। And it is no doubt applicable to everyone, to the people of every religion. उनके लिए यही महामंत्र है। The same great mantra is applicable to them. कि बेहद के बाप को याद करेंगे तो बेहद के पवित्र धाम में पहुंच जाएंगे। If you remember the unlimited father, you will reach the unlimited pure abode. और घर में तो कोई दुख है ही नहीं, वहां तो शांति ही शांति है। And there is no sorrow in the home. There is peace and only peace there. इसे दुनिया में आकर के घर को भूलें। You have forgotten the home after coming in this world. और सारा कल्प भूलें। And you have forgotten it for the entire cycle. ऐसे नहीं कि सिर्फ द्वापर कलयुग में भूले हैं। It isn't that you have forgotten it only in the copper and the iron age. नहीं। No. सतयुग त्रेता में भूले हैं, समझे ना? You have forgotten it in the golden and the silver age as well. You have understood, haven't you? हाँ। Yes. कोई भी नहीं जानते हैं अपने बाप को। No one knows his father. और सारा कल्प कोई नहीं जानते। And they don't know him for the entire cycle. एक बार मिलते हैं। यहाँ आते हैं। They meet him once when he comes here. और यहाँ आते हैं तो आकर के परिचय देते हैं। And when he comes here, he gives his introduction.
कि मैं इसमें आ करके इसमें रह करके तुमको मुख से कहता हूँ। I tell this to you through the mouth after coming in this one, being in this one. तो इस गौमुख की कितनी महिमा है। This गौमुख is praised so much. देखो है ना गौमुख। Look, there is the mouth of a cow, गौमुख, isn't there? अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि ये गौ या गौ स्वभाव कोई जानवर का नहीं है। Now, it is in your intellect that this cow and the nature of a cow isn't that of an animal. ये गौ तो मनुष्य है। This cow is in fact a human being. और माता को गौ माता ही कहा जाता है। And the mother is certainly called the mother cow. बड़ी सीधी सादी। She is very simple and innocent. तो बरोबर ये बड़ी माता है। So, she is certainly the senior mother. समझे ना? You did understand, didn't you? ये है ना बड़ी माता। She is the senior mother, isn't she? जिस माता के द्वारा अडॉप्ट करते हैं शिव बाबा, तुम सब को अडॉप्ट करते। शिव बाबा अडॉप्ट्स ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन थ्रू दैट मदर। कहते हो ना? यू से दिस, डोंट यू? और ये बाबा बाबा तो अभी कहने करने लग पड़े हो। एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड सेइंग बाबा बाबा। तो बाप कहते हैं। अभी बाबा बाबा अंदर में कहने से तुम्हारा सभी पाप कट जाते हैं। सो द फादर सेज इफ यू से बाबा बाबा विद इन ऑल योर सिंस विल बी डिस्ट्रॉयड। कोई बाहर से आवाज से बोलने की बात नहीं है। देयर इज नो नीड टू से इट एक्सटर्नली फ्रॉम द माउथ। याद करने से पाप कट जाते हैं। योर सिंस आर डिस्ट्रॉयड बाय रिमेम्बरिंग हिम। मन बुद्धि से याद किया जाता है। यू रिमेम्बर हिम थ्रू द माइंड एंड इंटेलेक्ट। बाकी ऐसे नहीं है कि मुख से बाबा बाबा कहते रहेंगे, वो बात नहीं रखते हैं। एज फॉर द रेस्ट इट शुडंट बी दैट यू कीप सेइंग बाबा बाबा थ्रू द माउथ। इट इजंट अबाउट दैट। देखो कोई भी बच्चे होते हैं, दोनों बच्चों को बाप याद आते हैं। लुक ऑल द चिल्ड्रन रिमेम्बर देयर फादर। और उन बाप की शिकल वगैरह सब उनके दिल पर बैठ जाती है। एंड द फीचर्स एटसेट्रा ऑफ देयर फादर गेट्स इम्प्रिंटेड ऑन देयर हार्ट। तो अभी तुम तो जानते हो कि जैसे हम बच्चे हैं वैसे वो भी बच्चे हैं। सो नाउ You certainly know that they are also children like us. हम रूहानी बच्चे हैं, वो जिस्मानी बच्चे। We are the spiritual children and they are the bodily children. बाकी ये जो बाहरी शिकल है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। As for the rest, there is no difference in the external features. वही हाथ पांव नाक आंख कान मुंह सबको है। Everyone has the same hands, legs, nose, eyes, ears and mouth. और तो बाप को शिकल से। They recognize the father through his features. भिन्न भिन्न बच्चों को भिन्न भिन्न बाप। Every child has a father. दुनिया में तो ऐसे ही होता है। That is what happens in the world. बच्चों की भी शिकल अलग अलग होती है, तो बाप की भी शिकल अलग अलग, फीचर्स अलग अलग होते हैं। द फीचर्स ऑफ द चिल्ड्रन एज वेल एज द फादर आर डिफरेंट। देयर फीचर्स आर डिफरेंट। और अभी यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो जैसे हमारी आत्मा है और उस आत्मा में शिकल वगैरह तो कुछ है ही नहीं। एंड हियर यू चिल्ड्रन सर्टेनली नो देयर आर नो फीचर्स एटसेट्रा ऑफ आवर सोल। जैसे हमारा बाबा भी है। आर बाबा इज ऑल्सो द सेम। परमात्मा है। ही इज द सुप्रीम सोल।
परम माने ही परे ते परे रहने वाला। द वेरी मीनिंग ऑफ सुप्रीम इज द वन हु स्टेज बियॉन्ड एवरीथिंग। बस दैट्स इट। तो आत्मा जरूर है, ही इज नो डाउट अ सोल, परंतु वो परम है। बट ही इज सुप्रीम, क्योंकि बच्चों को अभी मालूम पड़ गया है। इट इज बिकॉज नाउ द चिल्ड्रन हैव कम टू नो दिस। 16/12/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। सेकेंड पेज ऑफ द मॉर्निंग क्लास स्टेटेड 16/12/1968 सेकेंड लाइन। बच्चों को मालूम पड़ गया और कोई को मालूम ही नहीं है कि बाबा भी परमधाम में रहते हैं और हम बच्चे भी परमधाम में रहते हैं। द चिल्ड्रन हैव कम टू नो इट, नो वन एल्स नोज दैट बाबा एज वेल एज वी चिल्ड्रन लिव इन द सुप्रीम अबोर्ड। बाबा भी निराकार, हम आत्माएं भी निराकार। बाबा इज इनकॉर्पोरियल एंड वी सोल्स आर ऑल्सो इनकॉर्पोरियल। निराकारी धाम, आर अबोर्ड इज इनकॉर्पोरियल। बाबा की सूरत में, आत्मा में और हमारी आत्मा में कोई फर्क तो है ही नहीं। सो देयर इज नो डिफरेंस इन द फीचर्स इन द सोल ऑफ बाबा एंड आर सोल। वो भी बिंदी है तो हम भी बिंदी। ही एज वेल एज वी आर पॉइंट्स। और बिंदी का लंबाई चौड़ाई तो कुछ होती नहीं। एंड देयर इज सर्टेनली नो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ पॉइंट एट ऑल। चाहे जितनी सूक्ष्म ते सूक्ष्माणु ते अणु बना दो, नो मैटर हाउ सटल यू ड्रॉ इट। तो ये तो ज्ञान मिलता है ना बच्ची। डॉटर यू रिसीव दिस नॉलेज डोंट यू। और ये तो कोई को भी ज्ञान नहीं है कि आत्माणु से भी अणु है, अति सूक्ष्म है। तो जबकि तुमको बाप ने समझाया है कि हम भी आत्मा हैं। नो वन एल्स हैज दिस नॉलेज दैट अ सोल इज सटलर देन इवन एन एटम। इट इज एक्सट्रीमली सटल। द फादर हैज एक्सप्लेन टू यू वी आर ऑल्सो अ सोल। ये समझ मिली है ना? यू हैव रिसीव्ड दिस विजडम हैवंट यू। पहले तो किसी को भी पता नहीं था। अर्लियर नो वन न्यू दिस एट ऑल। देखो बाप के लिए ही क्या कह दिया है, सर्वव्यापी है, फलाना है, अवतार लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लुक वॉट दे हैव सेड फॉर द फादर, ही इज ओमनी प्रेजेंट सो एंड सो, ही इनकार्नेट्स, ही डज दिस एंड दैट। जो आते हैं अभी, जो आते हैं, जो कहते हैं, वो कहते सभी फिर भी तो ड्रामा के प्लान अनुसार ही है। Those who come, they come now and say this. Still, what they say is certainly according to the drama plan. क्योंकि भक्ति मार्ग में है ही बाप के, बाप का विस्मृति मार्ग। It is because the path of bhakti is the path to forget the father. बाप के नाम को, रूप को, देश को, काल को भूल जाते। They forget the name, form, country and time of the father. अभी वो सब भूल जाते हैं, वो तो तुम भी भूल जाते हो। Now they forget everything, so you also forget it. और सब भूले ही भूले हैं। And everyone has forgotten it. एक ही भूल है कि आत्मा अपने बाप को भूल जाती है। दिस इज द ओनली मिस्टेक दैट द सोल फॉरगेट्स इट्स फादर। जब बच्चा अपने बाप को भूल जाता है तो बाकी और क्या जानेगा। व्हेन अ चाइल्ड फॉरगेट्स हिज फादर व्हाट एल्स विल ही नो। तो कुछ भी नहीं दे देते हैं। देखो ये सभी दुनिया वाले और तुम सब बच्चे भूले हुए थे ना बाप को। दे डोंट नो एनीथिंग। लुक ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन हैड फॉरगॉटन द फादर हैडंट यू। भूले हुए हैं। यू हैव फॉरगॉटन हिम।
अब भूले हुए हैं तो गया। नाउ इफ यू हैव फॉरगॉटन हिम इट्स ओवर। जैसे कि धनी के, धनी को याद ही नहीं करते। इट इज एज इफ यू डोंट रिमेम्बर द मास्टर एट ऑल। तो देखो, न धनी को याद करते न उनके पार्ट को याद करते। सो लुक, यू नीदर रिमेम्बर द मास्टर नॉर हिज पार्ट। उनका पार्ट है ना ड्रामा का। ही सर्टेनली हैज अ पार्ट इन द ड्रामा, डजंट ही? बच्चों का भूल जाने का पार्ट है, हर अपन को भी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। एंड चिल्ड्रन हैव द पार्ट ऑफ फॉरगेटिंग हिम एंड दे इवन फॉरगेट देमसेल्व्स दैट दे आर अ सोल। सृष्टि के आदिमध्यंत को भी भूल जाना है। दे ऑल्सो फॉरगेट द बिगनिंग द मिडिल एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सभी कुछ भूल ही भूल है। दे जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। और तुम बच्चे तो हर एक चीज को अच्छी तरह से समझेंगे। एंड यू चिल्ड्रन विल सर्टनली अंडरस्टैंड एवरीथिंग नाइसली। कि हम बिल्कुल ही सब कुछ भूल जाते हैं। वी फॉरगेट एवरीथिंग। तो जब हम सब कुछ भूल जाते हैं तो गोया जैसे हम जानवरों में सिर बन जाते हैं। When we forget everything, it is as if we become like animals. है ना बरोबर? It is correct, isn't it? तो सो जानवरों के मिसल हम कैसे बन जाते हैं? So, how do we become like animals? हम तो ऐसे देवी देवता थे। We were such deities. और अभी तो जानवरों से भी बदतर हो पड़े। एंड नाउ वी हैव बिकम वर्स देन इवन एनिमल्स। क्यों? व्हाई? एक ही बात है। देयर इज ओनली वन थिंग। समझे ना? यू हैव अंडरस्टूड, हैवंट यू? और कोई भी प्रश्न नहीं उठता है, एक ही बात। नो अदर क्वेश्चन अराइजेस। There is only one thing. तो जब बात एक है कि हम आत्मा हैं, अपने बाप को भूल गए, अपने आप को भी भूल गए। So there is only one thing that we souls have forgotten our father as well as ourselves. तो अभी हमको realize कौन करावे कि हम आत्मा हैं और हम आत्माओं का वो बाप है? Now who will make us realize that we are souls? And he is the father of us souls. Realize करा दे कि हम हैं कौन? Who will make us realize who we are? ऐसा कोई भी जीवात्मा नहीं होगा जिसको ये मालूम होगा कि हम आत्मा हैं। There won't be any of such living being who knows that we are a soul. ऐसी ऐसी भूल होती है। You make such mistakes. हम ये पार्ट बजाते हैं। We play this part. और हम हैं बहुत छोटी सी आत्मा। एंड वी सोल्स आर वेरी स्मॉल। और हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। एंड ऑल ऑफ अस सोल्स आर ब्रदर्स फॉर ईच अदर। और ये आत्मा आत्मा भाई भाई है ये तो ज्ञान दुनिया में किसी को भी नहीं है। एंड नो वन इन द वर्ल्ड हैज दिस नॉलेज दैट द सोल्स आर ब्रदर्स फॉर ईच अदर। ओम शांति। ओम शांति।